आप सब पर सलामती हो। हमारे लिए ये बड़ा खुशी का मौका है कि आज हम ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के दूसरे दिन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं फजीलत माँ आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ और मरकज़ी ज़ियारत कमेटी की जानब से तकदस माब बिशप इंद्रयास रहमत को आपकी भरपूर तालियों में अपने दरमियान खुश आमदीद कहता हूँ। उनके हमरा हमारे बहुत सारे काहिन और ख़ास तौर पर फादर आबद जो विकर जनरल हैं फैसलाबाद डायसिस के, वो आज तशरीफ़ लाए हैं। तमाम काहिनों को, तमाम सिस्टर साहिबात मोनात साहिबान को भी भरपूर तालियों में खुश आमदीद कहते हैं। आप सब ज़ायरीन जो पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ़ शहरों सूबों और कस्बों और गांवों से यहाँ पहुँचे हैं, कुछ पैदल काफ़िलों की सूरत में, मोटरसाइकिल काफ़िलों की सूरत में, कुछ गाड़ियों के ज़रिए से, कुछ बसों के ऊपर सवार होकर यहाँ मुकद्दसा मरियम के चरणों में आए हैं, तमाम मोमिनीन जो यहाँ मौजूद हैं जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है मीडिया के ज़रिए से, उन सब को भी आज इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस ज़ियारत जो कि 72वीं ज़ियारत मुकद्दसा मरियम, हम मुकद्दसा मरियम के चरणों में शुरू कर चुके हैं और आज जो कि दूसरा दिन है, आज सबसे पहले तो जो मौजू मरकज़ी तौर पर चुना गया मुकद्दसा मरियम मलका रहम, और आज के दिन का ख़ास मौजू जिस पर हमें आज के दिन गौर करना है, ऐ तसल्ली दिलगिरों की। मुकद्दसा मरियम की लतानिया में से ये अल्फाज चुनेंगे ताकि हम सब जो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का शिकार हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, परेशानियां, दुख और तकलीफ़ें हर रोज़ हमें तंग करती हैं, मौजूदा दौर में मुख्तलिफ किस्म के हालात और ख़ास तौर पर करोना वायरस जिससे पूरी दुनिया इस वक्त अपने अंदर तकलीफ महसूस करती है, हम दिली तौर पर इस बात को महसूस करते हैं। तो आज खसूसी तौर पर जब इस ज़ियारतगाह पर मुकद्दसा मरियम के वसीला से आज की इबादत खुदावंद के हजूर गुजरानी जाएगी, तो इस इबादत के दौरान ख़ास तौर पर हम करोना वायरस के खात्मा के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के बका और सलामती के लिए, अपने तमाम इंतज़ामी अमूर को मुकम्मल करने वाले तमाम दफाई जो हमारे अदारे हैं जो यहाँ पर इंतज़ाम करते हैं, उन सब के लिए खुदावंद के हजूर दुआएँ मांगेंगे। वो मोमिनीन जो मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए से हमारे साथ मिलते हैं, उन सब को भी इस बात की यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि आप सब की दुआएं हम तक जो पहुंची हैं मैसेजेस के ज़रिए से, आप सब जो नेक ख्वाहिशात रख कर मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत को पूरी दुनिया में देख रहे हैं, हम आपको इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि ज़रूर आपकी दुआएँ मुकद्दसा मरियम के वसीला से खुदावंद की बारगाह तक पहुँचें और मुकद्दसा मरियम हमारी दिल की हर मुश्किल को दूर करें और हम खुदावंद में मजबूत रहें। आएँ बड़े ईमान के साथ आज की इस इबादत का हिस्सा बनते हैं और अकीदत के साथ हम बिशप जी के साथ इस इबादत को जारी रखते हैं। अभी आए जीजो, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर इस पाक की बात में शरीक हो सकें। मैं काज़िम मुतलिक खुदा और आप सब के सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से बिल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काज़िम मुतलिक खुदा, हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। Thank you।
पुत्री खुदा है, खुदा है बुजुर्ग बरतर आदर पुत्री खुदा हम दुआ करें। ऐ खुदामंद हमारे खुदा, मुकद्दसा मरियम के बेटे ने हमें निजात दिलाई, बख्श दे कि हम उस बेदाग कुमारी की पैदाइश की ईद मनाते हुए सलामती और इत्मीनान कसरत से पाएं। हमें आसमानी फजल की नेमत अता कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। आज के मुबारक दिन के लिए पहली तलावत मीका नबी की किताब उसका 5:1-4 आयत में यूं मरकूम है कि तू ए बैतलहम इफ्राता जो यहूदा के घरानों में कम तरीन है, तुझी से मेरे लिए वो निकलेगा जो इसराइल की गल्लाबानी करेगा और जिसका सदूर कदीम से बल्कि ज़माने साबक से है, इसलिए वो उन्हें तर्क कर देगा जब तक वालिदा विलादत से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई इसराइल के पास वापस आएंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से, खुदावंद अपने खुदा के नाम की अजमत से उनकी गला बानी करेगा। वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक़्त इंतहाए ज़मीन तक बुज़ुर्ग होगा और वही सलामती होगा। जब अशूर हमारे मुल्क में आएगा और हमारे कसरों में कदम टिकाएगा तो हम उसके ख़िलाफ़ 7 चरवाहे बल्कि 8 सरगरों बरपा करेंगे। पाक कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तख्त तेरा आज से तेरे आ
की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, 8 बाब 28 से 30 आयात मुकद्दसा। और हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तकदीर के मुआफिक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से पहचाना है उन्हें पहले से मुकरर भी किया है कि उसमें पलौठा ठहरे, उसके बेटे की सूरत के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलौठा ठहरे। और जिन्हें उसने मुकरर किया है उन्हें उसने बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें सादिक भी ठहराया है, और जिन्हें सादिक ठहराया है उन्हें जलाल भी बख्शा है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस बामताबिक मुकद्दस यहना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका दूसरा बाप पहली आयत से। और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहाँ थी, और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई
तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहाँ यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके दरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बत समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मीरे ज़ियाफ़त के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मीरे ज़ियाफ़त ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे, तो मीरे ज़ियाफ़त ने दुल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मैं खर्च करता है और मामूली उस वक्त जबकि सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने काना जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ़ की जाएं। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 72वीं ज्यारत की ज्यारत कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। और इस दावत के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। बहसियत बिशप, ये मेरी पहली ज्यारत है। 2 साल पहले जब ज्यारत हुई तो उसी दिन मैं बिशप मखसूस हुआ और शाम को ये ज्यारत थी। और पिछले साल कोरोना के बायस ये नहीं हो सकी, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस दफ़ा मुमकिन बनाया कि हम मुकद्दसा मरियम के चरणों में आए, अपने लिए, अपने ग्रानों के लिए, अपने मुल्क के लिए तसल्ली, इत्मीनान और शांति हासिल करें। अजीज भाइयों बहनों, जो मुझे मौजू दिया गया है वो है मुकद्दसा मरियम किल्तानिया में से ऐद सल्ली दलगीरों की। और मैं समझता हूँ कि ये मौजू नहायत मुनासिब है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया दलगीर है। हर सू कोरोना के मुतासरीन हैं, बेशक वो पहली दुनिया के हों या पसमानदा और गरीब दुनिया के, हर जगह मौत का आलम है, हर जगह बेबसी है, हर जगह मायूसी है। तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। इसलिए हम मुकद्दसा मरियम के चरणों में आए हैं जहाँ सब दलगीरों को तसल्ली मिलती है। तो आए पहले देखें कि दलगीर कौन है। तो ये दुखी, परेशान, शिकस्त खुर्दा, गरीब, रद्द किए हुए, भूख के मारे, जंग के सताए हुए, बेघर, बीमारियों के मारे हुए और पनाहगज़ीं, महाजर सब जो हैं तसल्ली के मुंतजर हैं। पाकलाम में देखें कि दलगीर कौन हैं, तो पहला सैमुअल पहले बाब
और उसकी 10 आयत में हन्ना है जो औलाद ना होने के बायस सख्त दलगीर थी और उसे रूह का दुख था, वो रूह के दुख में मुब्तला थी। दूसरा सैमुअल उसके 19 बाब और दूसरी आयत में दाऊद बादशाह अपने बेटे के लिए दलगीर है, गमगीन है। मुकद्दस मरकस की अंजील हम आखिरी खाने में देखते हैं कि 12 शागिर्द बहुत दलगीर हैं। फिर मुकद्दस मरकस की अंजील 14 बाब और 19 आयत में देखते हैं कि शागिर्द गमगीन और दलगीर हुए। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 21 बाब और 17 आयत में मुकद्दस पतरस दलगीर हुआ। अब हम देख सकते हैं कि दीगर दलगीर क्यों होते हैं। तो पहले तो जो वजह बताई गई है कि इस दलगीरी की गुनाह है, गुनाह के सबाब मौत है, गुनाह के सबाब मुसीबत है, गुनाह के सबाब बीमारी है, गुनाह के सबाब बसीरी है और जितनी भी हम बुरी और ऐसी चीज़ें देखते हैं जो इंसानों के लिए जीरन है, उनका कारण गुनाह है। अशाय नबी का सहीफा उसका 65 बाब और 14 आयत बताती है जो खुदा से दूर होते हैं वो दलगीर होते हैं। और अशाय नबी लिखता है, देख मेरे बंदे दिल की खुशी से गीत गाएंगे पर तुम दलगीरी से चलाओगे और रूह की शिकस्तगी से वावेला करोगे। दूसरा करंथियों 2 बाब और 4 आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल लिखता है, मैंने बड़ी मुसीबत और दलगीरी के साथ बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था। यहाँ प्यार है, यहाँ मोहब्बत है और पौलुस अपने मोमिनीन को याद करता है कि वो दुख में है, मुसीबत में है, तो उनको याद करते हुए वो आंसू बहाता है और ये खत लिखता है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि अगर बाइबल मुकद्दस में लोग बादशाह, रसूल, ज़रूरतमंद, औलाद के चाहने वाले दलगीर हैं तो आज तो फिर हर कोई दलगीर है। आज हर कोई कोरोना से मुतासर है, किसी का प्यारा कोरोना की नज़र हो गया, कोई आज अपने प्यारों के लिए मारा मारा फिर रहा है, हस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, बेड नहीं मिलता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, फैक्ट्रियां, कारखाने, रेस्टोरेंट बंद होने के बायस बहुत से लोग माली अबतरी का शिकार हुए हैं, इसलिए वो दलगीर हैं। अभी भी शायद एक जमीय फिर होता लेकिन लॉकडाउन के सबब लोग सफ़र नहीं कर सकते, बहुत से अपने प्यारों से नहीं मिल सके, उनकी खुशी और गमी में शरीक नहीं हो सकते। फिर लोग इसलिए भी गमगीन और लाचार हैं कि उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उनकी औलाद बेरा रवि का शिकार है, मंशियात का इस्तेमाल है, लाकानूनियत है, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, उनके हकूक़ की पामाली होती है, उनकी मजहबी रवायत को रोंदा जाता है, उन पर आवाज़ें कसी जाती हैं, उन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ता है, हिजरत करनी पड़ती है, बिला वजह पाबंदे सलासल रहना पड़ता है, औलाद ना होने के बायस उन्हें गमगीन और पसमजदा
रहना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि लोग दलगीर हैं, लोग मुसीबत का शिकार हैं। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि दलगीरों से खुदा के वादे भी हैं। खुदा अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, वो उनकी मदद करता है, उनकी रहनुमाई करता है, उन्हें तसल्ली देता है। और यहाँ पाकलाम में तो बहुत से वादे हैं, लेकिन मैं चंद एक का यहाँ तज़करा करता हूँ। अय्यूब उसका 11 बाब और 16 आयत में, आपको पता है कि अय्यूब की हालत कैसी थी, कैसे उसका घराना तबाह हुआ, उसकी फसलें उजड़ी, उसके घर गिरे, उसके बच्चे जो हैं वो हलाक हुए, उसके मवेशी जो हैं वो ख़त्म हो गए, और फिर वो ख़ुद बीमारी का शिकार हुआ। लेकिन यहाँ अय्यूब 11 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, खस थाली को भूल जाएगा या उसको गुजरे पानी की तरह याद करेगा। यानी ये वक्त, ये मुसीबत, ये दुख, ये आजमाइश गुजर जाएगी। मजमूर 49 उसकी 15 आयत में लिखा है, मुसीबत के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे मुखलसी दूंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। अशाया नबी उसका 43 बाब और 2 आयत में मरकूम है, जब तू पानी में गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, या दरियाओं में तो वो तुझे ना डबोएंगे, और जब तू आग में चलेगा तो ना जलेगा और शोला तुझको ना जलाएगा। 2 करंथियों उसका 4 बाब और 7 आयत में मरकूम है, हमारी आर्जी और हल्की सी मुसीबत हमारे लिए क्या ही बेअंदाज मौजू और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। 1 पतरस उसका 4 बाब और 13 आयत में मरकूम है, जिस कदर तुम मसीह के दुखों में शरीक होते जाओ उसी कदर खुशी करो, ताकि उसके जलाल के जहूर के वक्त भी नहायत खुश हो खुरम हो। मकाशवा उसके 21 बाब की 4 आयत में यूं लिखा है, वो उनकी आंखों के साथ आंसू पूंछ देगा और फिर मौत ना होगी और ना गम और ना नाला और ना फिर दुख होगा, क्योंकि पहली चीज़ें जाती रही। भाइयों बहनों, अब हम देखते हैं कि खुदा ने जहां गुनाह था वहीं ये पहली खुशखबरी दी मुकद्दसा मरियम के आने की, कि निजात दहिंदा आएगा। एक औरत के बायस दुनिया में गुनाह आया और दूसरी औरत ज़िंदगी लाती है, दूसरी औरत के बायस ज़िंदगी की सकाफत परवान चढ़ती है, और वो मुकद्दसा मरियम है। और हम देख सकते हैं कि मुकद्दसा मरियम के पास आने से लोग तसल्ली पाते हैं। ये बात भी याद रहे कि मसीही शुरू ही से मुकद्दसा मरियम को मानते हैं कि वो दलगीरों की तसल्ली है। और ये 2 से ईमान रखा जा रहा है, यकीन किया जा रहा है कि वो दलगीरों की तसल्ली है। और ये क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने खुद दुख सहे, उसने खुद मुसीबत का सामना किया। पहले हम देख सकते हैं कि उसके बेटे
तो कैसे अजियत के साथ और बेइज्जती के साथ मारा गया। उसे दुखियारी माँ कहते हैं और 15 सितंबर को हम ये ईद मनाते हैं। फिर उसके कलाम को रद्द किया गया, ना सिर्फ उसके पैगाम को रद्द किया गया बल्कि दुश्मनी के बायस उससे ज़िंदगी छीन ली गई। सुमकसा मरियम खुद दुखों का सामना कर चुकी है, शायद जितने दुख और जीते उसने झीली हैं शायद ही किसी ने झीली हो या कोई झीले। हम उसकी उसके बेटे की पैदाइश के बाद ही देखते हैं कि उसे मिस्र को भागना पड़ा, फिर वो सलीब के नीचे है और वहाँ देखें कितनी हैबतनाकी है, कितनी अजियत है कि इकलौता बेटा है और उसे जालमों ने इस तरह मौत के घाट उतारा। वह अपने बेटे का जवान लाशा अपनी गोद में रखती है, तो हम देख सकते हैं कि उसने कितने दुख सहे हैं। और मुबारक जॉन हेनरी न्यूमन कहता है, मुकस्सा मरियम हमारी तसल्ली करती है, हमें तसल्ली देती है क्योंकि वह अब अपने बेटे के साथ बहिश्त में है, अपने बेटे के साथ बहिश्त में है। हम देख सकते हैं कि दूसरी सदी में ये हकीकत मानी गई कि मुकस्सा मरियम दलगीरों की तसल्ली है। ये लिखा है कॉम्फर्ट ऑफ द अफ्लिक्टेड। फिर लोरेटो की जो लतानिया है जिससे ये मौजू लिया गया, ऐद तसली दलगीरों की, उसकी 38वीं लतानिया ये है और ये 1587 में ये लतानियाँ जो है पोप सिक्सटस पंजम ने मंजूर की। फिर हम देख सकते हैं कि 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 1876 में आमद के मौसम में मुकस्सा मरियम 4 लड़कों पर जाहिर हुई, तो वो उनको मानती है, उनको बताती है कि मैं तसल्ली हूँ दलगीरों की, मैं तसल्ली हूँ दलगीरों की। फिर इसी लतानिया में हम देख सकते हैं कि मुकस्सा मरियम के लिए और तरह के अलकाब हैं। 3 बार उसे पाक कहा गया है, 15 बार उसे माँ कहा गया है, 6 बार उसे कंवारी कहा गया है और 13 बार उसे मलका कहा गया है। यानी मुकस्सा मरियम के बारे में जो 4 कलीसिया के डॉगमाज हैं, ईमान की इकाइयाँ हैं, वो यहाँ मिलती हैं कि मुकस्सा मरियम दायमन कंवारी है, मुकस्सा मरियम खुदा की माँ है, मुकस्सा मरियम बेदाग हमले में ली गई और मुकस्सा मरियम आसमान पर उठाई गई, इसलिए वो मलका है। हम देख सकते हैं कि ये हकीकतें, ये मान की सच्चाइयाँ शुरू से कलीसिया मानते चली आ रही है। फिर ये कहते हैं कि मुकस्सा मरियम चूँकि खुद दुख का तजर्बा कर चुकी है और वो शख्स जिसे दुख का सामना नहीं, जब वो किसी जनाजे में जाएगा
जब वो किसी बीमार के पास जाएगा तो उसकी बातें खोखली होंगी, बेमानी होंगी, लेकिन मुकद्दसा मरियम जो तसल्ली देती है वो उसके अपने तजर्बे पे मबनी है, क्योंकि उसने दुनिया में रहते हुए ये मुसीबतें सही हैं। हम एक गीत भी गाते हैं, दुनिया में रहकर तूने सही मुसीबतें, अब सुख की बारी आई, खुशियां हैं जोर शोर। तो मुकद्दसा मरियम ने चूँकि ये दुख, ये परेशानियां, ये अजीतें, ये आजमाइशें सही हैं, इसलिए अब वो इस काबिल है कि वो हमें तसल्ली दे। सो मुकद्दसा मरियम सबकी तसल्ली और तशफ़ी करती है, वो उन पर रहम करती है, उनकी ढारस बंधाती है, और ऐसा वो इसलिए करने के काबिल है क्योंकि उसने इन लम्हात का खुद तजर्बा किया। इसी तरह मुकद्दस अल्फोंस मरिया दिल गोरी, मुकद्दस बर्नार्ड, मुकद्दस टीजा तिफले यसु, पोप बेनेडिक्ट और पोप फ्रांसिस भी इस बात का बहुत जिक्र करते हैं कि मुकद्दसा मरियम गमगीनों के लिए तसल्ली है और उसकी सिफारिशें दूसरे मुकद्दसीन से ज़्यादा कवी और मजबूत हैं। मजीद बना ये मुकद्दसा मरियम की फितरत है कि वह अपने बच्चों को तसल्ली देती है और इसी वजह से उसे दलगीरों की तसल्ली कहा जाता है। वो तसल्ली देती है, वो इत्मीनान देती है, क्योंकि उसके पास ये इजाज़ है, वो अपने बेटे से शिफायत कर सकती है। अभी जो हमने अंजील पाक सुनी है, वहाँ भी देखा काना जलील की शादी है लेकिन मैं घट गई है, तो ये बेइज्जती का मुकाम था। मुकद्दसा मरियम वहाँ तमाशाई के तौर पे नहीं है, वो ये नहीं कहती मुझे क्या लगे, उसने उनका दर्द महसूस किया, उनकी बेइज्जती महसूस की, उनके लिए कुछ करना चाहा, अपने बेटे को कायल किया कि इनके लिए कुछ करे, और मुकद्दसा मरियम की शिफायत काम आई और यहाँ ऐसी मैं मिली कि दूसरे कह सके कि पहले लोग अच्छी मैं देते हैं, आपने हमें पहले आम सी मैं दी। वह भी हमारी सिफारिश करती है, ख़ासकर वो इराफ की रूहों की जो है शफायत करती है। सो मुकद्दसा मरियम के दिल में खुदा के तमाम बच्चों के लिए बड़ा घर है, इसलिए मुकद्दस इब्राहिम इस हकीकत को यूं बयान करते हैं कि वो दुनिया के लिए राहत है, यतीमों के लिए वालदा है, कैदियों की रहाई की दाई है और गुलामों की निजात दहिंदा है। बोलो मुकद्दसा मरियम की, खुदांद यीशु मसीह की। इसी तरह मुकद्दस जरोम अमिलियन कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम ने रहाई दिलाई, फिर उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी ताकि दूसरों को तसल्ली दे। मुबारक क्लाउड बर्नार्ड मुकद्दसा मरियम को दलगीरों की तसल्ली कहता है और उसके लिए ख़ास अकीदत रखता था। उसने उसके बारे में हस्पताल में, जेलों में और हर जगह मुनादी की कि मुकद्दसा मरियम दलगीरों की तसल्ली करती है। हम इस मुकद्दस से ये सीखते हैं कि वो ना सिर्फ खुद तसल्ली पाता है बल्कि बाद में दूसरों की तसल्ली का भी सामान करता है, और यही बात ज़रूरी है। हम मुकद्दसा मरियम के चरणों में आए हैं ताकि अपनी अपनी ज़रूरत में उससे तसल्ली पाएं, अपनी मुश्किल में, अपने गम में, अपनी बीमारी में, अपनी बेकसी में उससे तसल्ली पाएं।
लेकिन अगर हम खुद तसल्ली पा के चले गए और किसी के लिए कुछ ना किया तो ये बहुत जो है खुद गर्जी का अमल होगा। इसलिए आखिरी बात ज़रूरी है, और जो मैंने अपनी उस्कफी खिदमत का जो है माटो चुना है वो है फेथ इन एक्शन, यानी जो हमारा ईमान है वो हमारे अमल से वाजे हो। और मैं अपनी हर गुफ्तगु या हर पैगाम में ये बात रखता हूँ। अभी आपको भी कहता हूँ कि हम कैसे दीगर अफराद की जो गम में है, जो रंज में है, जो बीमारी की हालत में है, जो बेकसी की हालत में है, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे उनको तसल्ली कर दे सकते हैं। तो आज मैं यही चाहता हूँ कि वो माँ जो दूसरों को तसल्ली देती है, जिससे हम तसल्ली पाते हैं, हम उसकी तसल्ली दूसरों को दें। बिकमिंग को कम्फर्टर्स टू वन अनदर, यानी हम उसके हमकार बन जाएं, उसके हमकार बन जाएं, उसके बेटे और बेटियां होते हुए दूसरों को तसल्ली का पैगाम दें। और कैथलिक तालीम के मुताबिक उसके 2447 पैराग्राफ में दुखियों को तसल्ली देना ये रहम का जिस्मानी काम है। तो हम सब बुलाए गए हैं कि ना सिर्फ खुद खुदा से मुकद्दसा मरियम से तसल्ली पाएं, बल्कि इसी पैगाम को दूसरों तक ले जाएं। अपने अल्फाज से, अपने अमाल से, अपने वक्त से, अपने वसाइल से एक दूसरे को तसल्ली दें। भाइयों बहनों, आए शौक और ज़ौक से मुकद्दसा मरियम के हमकार बन जाएं, एक दूसरे को तसल्ली दें। और याद रखें, गलातियों के खत में पौलुस रसूल लिखता है, तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ, इस तरह से मसीह की शरीयत को पूरा करोगे। आप सबको ये फ़ज़ल मिले कि मुकद्दसा मरियम की तसल्ली दूसरों तक भी पहुँचाएँ। आमीन। हम सब खड़े हों और अपने अकीदे को दोहराएँ। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अज़ल मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदामंद है, रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस पिलातुस के अहद में दुख उठा, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ पर, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों को अदालत में आने वाला। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर, आमीन। और अब आए हम अपनी अर्ज़ मनाजात खुदावंद खुदा के हजूर पेश करें। ऐ जिंदा कदोस खुदावंद, हम दिल की गिराइयों से तमाम जायरीन को तेरे हजूर पेश करते हैं। तूने बरकत बख्श, मुकद्दसा माँ मरियम मलका रहम की सिफारशात की बदौलत खुदा इनकी तमाम दिली मिन्नतों मरादों को और नेक आर्ज़ुओं को पूरा करे, और उन तमाम लोगों के लिए जो बड़े ईमान से यहाँ पर आए हैं कि खुदावंद उनके दिलों दुआओं को सुने और कबूल करे और मुकद्दसा माँ के हजूर पेश करे, हम इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। शफी खुदावंद, हमारे पापा आज़म पोप फ्रांसिस को सेहत और सलामती अता फरमाए, ताकि आलमगीर कलीसिया की चुपानी रहनुमाई में मुतहद रहें, ईमान में मजबूत रहें, और हर तरह से बड़े फूलें और बेपनाह तरक्की करें।
अजीजों दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। रहीम खुदावन, मुकद्दसा माँ मरियम की पुर असर सिफारशात से दुनिया भर से मुझे कोरोना वायरस का जड़ से खात्मा करे, ताकि सारी नस्लें इंसानी खुशी और आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। इस मकसद के लिए खुदावन से दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदावन, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे, इसे दरपेश तमाम मसाइल को हल फरमाए और इसे अमन व सलामती का गहवारा बनाए। अज़ीज़ो दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। कादर मुतलिक खुदा, अपनी कुदरत को जाहिर कर, तमाम बीमारों को शिफा बख्श, बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेहमत से नवाज, बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार अता फरमा और तमाम दुखियों का दुख यसु के नाम से दूर हो। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं उन तमाम ज़ायरीन के लिए जिन्होंने बहुत ईमान के साथ आज की इबादत में अपने नाम पेश किए हैं, कि मेहरबान खुदा खुदा तमाम ज़ायरीन को अपनी तमाम तर बरकात से नवाजे, ख़ास तौर पर जो ख़ानदान बे औलाद हैं खुदावंद को औलाद की नेमत से नवाजे, जो बेरोज़गार हैं खुदावंद को रोज़गार अता फरमाए, जो बेघर हैं उनको खुदावंद घर अता फरमाए और जिन ख़ानदानों में लड़ाई झगड़े हैं खुदावंद को सलामती अता फरमाए। अज़्ज़ो इस मकसद के लिए खुदावंद से दुआ करें। दुआ भी करते हैं आज तकदस माँ बिशप अंद्रयास रहमत के लिए जिन्होंने बहुत खूबसूरत पैगाम के साथ हमारे लिए तसल्ली चाही कि हम भी अपनी मुश्किलों परेशानियों में हम तसल्ली हासिल करें, एक दूसरे के लिए तसल्ली बने, कि खुदावंद खुदा हमारे बिशप जी को हमेशा अपनी पनाह में रखे, अच्छी सेहत से नवाजे और खुदावंद इनको हमेशा अपनी पनाह में रखते हुए हमेशा अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। अज़्ज़ो उस मकसद के लिए खुदा उनसे दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ हमारे खालिक और मालिक खुदा, हमने बड़े भरोसे यकीन के साथ ये सब दुआएं तेरे हजूर पेश की हैं, तेरे आगे मुल्तजी हैं, उन सब दुआओं को कबूल फरमा, हमारे ज़ारिन की हिफाजत कर, उनके घरानों को बरकत दे, कोरोना से हमें आज़ाद कर, हमारे मुल्क में खुशहाली अमन और बरकत ला और बख्श दे कि इन दुआओं का असर हम सब तक पहुँचे, मसीह खुदावन के वसीले से। आमीन। सब तशरीफ रखेंगे, मास्क पहनेंगे, ये आपको याद दिलाते रहेंगे, मेहरबानी करके इस बात को यकीनी बनाएं। और अभी क्वायर के साथ मिलकर हम नसराने का गीत गाएंगे, अपनी मोहब्बत की शुक्रगुजारियां जो माँ के दर पर आप लेकर आए हैं फराख दिली के साथ पेश करें, ताकि खुदा के घर के लिए आपके हदिया जात आपके लिए बरकत का बायस बने।
दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदांद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम के भड़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे इकलौते बेटे ने कुमारी से पैदा होकर अपनी माँ की सालिमत को गुटाया नहीं बल्कि उसे मुतबरक ठहराया। बख्श कि उसका इंसान होना हमारी मदद का बायस हो, ताकि हमारी खताओं से बरी करके वो हमारा नजाना काबिल कबूल फरमाए, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त तो हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कुमारी मरियम की याद में तेरी हमदो सना करें। उसने रूह कुदूस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया, वो कुमारपन की जलील हाल को खोए बगैर अजली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावन को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। Yeah.
आती है, हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि ये नजाने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा, मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जूटने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा
कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी बात करें। हम आजजी के साथ इल्तजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन, बिशप साहिबान की कुल जमात और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, मुबारक रसूल, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ काज़े मुतलिक खुदा बाप को रूह कुदुस की वहदानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शाह है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने जात दिनवर से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है।
ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के मान पर नजर कर और उसे वो सलामती तहत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावन की सलामती हर वक्त आप पर हो। आपके साथ भी। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। पानी कोशिश करें, हाथ ना मिलाएं, वैसे ही सलाम करें एक दूसरे को। खुदा के बड़े, तू जहाँ के गुनाह को टाल जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े, तू जहाँ के गुनाह को टाल जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े, तू जहाँ के गुनाह को टाल जाता है हमें शांति इनायत कर। यह है खुदा का बड़ा जो जहाँ के गुनाह उठाले जाता है, मुबारक हैं वो जो बड़े की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। अरे खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाए। برائے مہربانی وہ مومنین جو پہلے سے ہی پاک یوکریست حاصل کرتے ہیں وہی حاصل کریں، جو حاصل نہیں کرتے وہ برائے مہربانی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور ہماری سیکیورٹی سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے جو کاہن جب یوکریست کے لیے آئیں تو آپ جو ہے وہ راستہ بنائیں اور لوگوں کو جو ہے وہ قطار میں کھڑا کریں۔ क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तुति में शामिल होंगे। सब तक काहिन पहुंचेंगे, हमारे पास काहिन है, इसलिए मेहरबानी बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज के साथ आप पाक शुद्ध हासिल करें।
साडे बुल्ला ते ना रोदा सजदा रवे साडे सावां च प्यार होदा रचदा रवे ओदे कदमां दी मिट्टी ओदे कदमां दी मिट्टी हसी चुमदे चुमदे रही है हम दुआ करें। ऐ खुदामंद हमारे खुदा, तू अपनी कलीसिया किन पाक वेदों के जरिए परवरिश करता है, उसे मुकद्दसा मरियम कुमारी की विलादत की खुशियां मनाने दे, जो कि सारी दुनिया के लिए उम्मीद का बायस और नजात की इब्तिदा का वसीला है। हमारी ये दुआ कबूल फरमा मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। आज इस मुबारक मौका पर हम कैथलिक इबादत की किताब की रुनुमाई करते हैं। आप में से कोई भी ऐसा मसीही ना होगा जो कैथलिक इबादत की किताब से वाकिफ ना हो, क्योंकि इस किताब ने हमारे मसीही कैथलिक ईमान की तर्जुमानी की है। इस किताब में मसीही तालीमात दर्ज हैं जो हमें रूहानी तौर पर मुनज़्ज़म और मजबूत करती हैं, जो कि आज मंजर आम पर लाने को हैं। ये कैथलिक इबादत की जदीद और मुतासर कुन अशात है, जिसमें कोशिश की गई है कि मोमिनीन की आसानी और रूहानी तरक्की के लिए इबादत से मुतल्लिक काफ़ी सारे मवाद को इकट्ठा कर दिया जाए।
इस किताब में सुबह शाम की इबादत के अलावा ख़ास मौक़ों की दुआओं का भी इजाफा किया गया है। मुकद्दसीन से शफात के लिए नमीने और ख़ास दुआएँ शामिल की गई हैं। आज के लिए खुशाइन बात यह भी है कि आज इस किताब की रुनुमाई के लिए बिशप इंद्रियास रहमत हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कैटिकल चेयरमैन हैं, और इस किताब का पेश लफ्ज़ भी उन्हीं के हाथों से लिखा गया है। आए अपनी तालियों की गूंज में हम बिशप जी से गुजारिश करेंगे कि वो इस किताब की रुनुमाई करें। ईमान के इस खूबसूरत तोहफे के लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदाम की शुक्रगुजारी करेंगे। दुख्तराने पौलूस की जानब से खूबसूरत किताब जो हर मोमन के घर में अगर है तो यकीनी तौर पर कैथलिक ईमान में आप बहुत मजबूत होते हैं। यह किताब बाहर सिस्टर्स का स्टॉल है, वहां से आपको मिल सकती है। मैं बहुत एहतराम के साथ सिस्टर की इस किताब के बाद हम बिशप जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ दावत देते हैं इजहार ख्याल के लिए। अजीज भाइयों बहनों, बिशप साहबान को डायसिस की निगरानी के अलावा उनको कुछ और काम भी दिए जाते हैं, और मेरे हिस्से में एक कमीशन है, कैटिकल कमीशन, जो दुआओं के हवाले से, अकीदतों के हवाले से, बच्चों की तलीम और तरबियत के हवाले से है। तो ये किताब भी मेरी ज़िम्मेदारी थी, सिस्टर्स ने मुझे ये किताब दिखाई, मैं इसको पा के बहुत शाद हुआ, क्योंकि इसमें सब कुछ है जो मोमिन जानना चाहते हैं। दुआएं हैं, रतानियां हैं, मुकद्दसीन के नमीने हैं, 14 मकाम की इबादत है, पाक मास के हिस्से हैं, रोजरी है, सक्रामेंटों पे ध्यान और ज्ञान है, इलामतें क्या होती हैं, हत्ता के शादी और जनाजे की रसूमात भी मौजूद हैं। तो ये किताब हर घर में होनी चाहिए, ताकि हम वक्तन फवक्तन अपने घरों में इन दुआओं का अहतमाम करें। रोज़ों का मौसम है तो ये किताब हमारी रहनुमाई करेगी कि कैसे हम रोज़ों के अयाम में अपने घर में, अपने ख़ानदान के साथ, अपने महल्ले में रोज़ों की इबादत का अहतमाम कर सकते हैं। इसी तरह जब आमद का मौसम है तो यूख्रिस्ती इबादत के अलावा घरों में भी बच्चों के साथ इस किताब की मदद से इबादत हो सकती है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि सफ़र पे जाने के लिए दुआ, वालदैन की बच्चों के लिए दुआ, बच्चों के लिए वालदैन के लिए दुआ, कलाम के फ़रोग के लिए दुआ, ख़ानदानों में इत्तेहाद के लिए दुआ, तो बहुत सी जो दुआएं इस किताब में शामिल हैं। मैं सबसे पहले डॉट ऑफ सेंट पॉल को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने एक खूबसूरत तोहफा कलीसिया को दिया है। वो दिन रात हमारे लिए काम करती हैं। उनकी जो मुरबिया है वो कहती है कि अगर मुझे 1000 जिंदगियां भी मिलें तो मैं मीडिया के लिए सर्फ करूंगी। तो आज मीडिया का दौर है, तो किताब भी एक मीडिया है। तो सिस्टर्स का स्टॉल है जहां कैलेंडर है, जहां बाइबल मुकद्दस है, जहां तस्वीर हैं, जहां रोजरी है, वहां मेडल है, और वहीं कैथलिक इबादत की किताब है। तो इसे ख़रीदें, इसे पढ़ें, इसे घर में रखें, तोहफा दें, ताकि कैथलिक ईमान फैले फूले।
आप सबका बहुत शुक्रिया और एक मरतबा सिस्टर को फिर मुबारकबाद। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज की खसूसी बरकत है, आपने सर झुकाएं और जवाब में आमीन कहें। खुदा ने अपनी इंतहाई मेहरबानी से चाहा कि मुकद्दसा मरियम कुमारी का बेटा बनी नौ इंसान को बचाए, वह अपनी बरकत की कसरत से आपको माला माल करे। आमीन। आप उस मुबारक कुमारी से ज़िंदगी का बानी पाकर हर वक्त और हर जगह उसकी मदद महसूस करें। आमीन। आप आज यहाँ कीदत के साथ आकर उसकी ईद मनाकर रूहानी खुशियों और आसमानी नेमतों से माला माल होकर अपने अपने घरों को लौटें। आमीन। और कादे मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रुक्दुस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। आमीन। आमीन।